टीएमसी रिचेस्ट पार्टी है, उनकी जो कंपनी का चेयरपर्सन ममता जी मैनेजिंग डायरेक्टर भतीजा है, टीएमसी रिचेस्ट पार्टी है, उनकी जो कंपनी का चेयरपर्सन ममता जी मैनेजिंग डायरेक्टर भतीजा है। झूठा इल्जाम है, राजनीति से प्रेरित है, टीएमसी रिचेस्ट पार्टी है, उनकी जो कंपनी का चेयरपर्सन ममता जी मैनेजिंग डायरेक्टर भतीजा है, उनका पास चार्टर फ्लाइट है और कुछ चार्टर फ्लाइट को रेंट में ले लीजिए और अपने कार्यकर्ता को, अपनी कंपनी को जो नौकर है उसको सब भेज दीजिए दिल्ली। लेकिन उन लोगों का कहना है कि जो बस से लेके जा रहे हैं अपने समर्थक को या जो ट्रेन से जा रहे हैं ये लोग दिल्ली पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा आशंका है। उत्तर प्रदेश में ये नेशनल परमिट है, पॉल्यूशन रोड टैक्स है और 55 सीट का बस में 55 ही है तो दिल्ली तक चला जाएगा, कोई रुकावट नहीं होगा। झूठा इल्जाम है, राजनीति से प्रेरित है, टीएमसी रिचेस्ट पार्टी है, उनकी जो कंपनी का चेयरपर्सन ममता जी मैनेजिंग डायरेक्टर भतीजा है, उनका पास चार्टर फ्लाइट है और कुछ चार्टर फ्लाइट को रेंट में ले लीजिए और अपने कार्यकर्ता को, अपनी कंपनी को जो नौकर है उसको सब भेज दीजिए दिल्ली। लेकिन उन लोगों का कहना है कि जो बस से लेके जा रहे हैं अपने समर्थक को या जो ट्रेन से जा रहे हैं ये लोग दिल्ली पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा आशंका है। उत्तर प्रदेश में ये नेशनल परमिट है, पॉल्यूशन रोड टैक्स है और 55 सीट का बस में 55 ही है तो दिल्ली तक चला जाएगा, कोई रुकावट नहीं होगा। पहले ट्रेन नहीं मिला, उसके बाद फ्लाइट को कैंसिल हुआ। झूठा इल्जाम है, राजनीति से प्रेरित है, टीएमसी रिचेस्ट पार्टी है, उनकी जो कंपनी का चेयरपर्सन ममता जी मैनेजिंग डायरेक्टर भतीजा है, उनका पास चार्टर फ्लाइट है और कुछ चार्टर फ्लाइट को रेंट में ले लीजिए और अपने कार्यकर्ता को, अपनी कंपनी को जो नौकर है उसको सब भेज दीजिए दिल्ली। लेकिन उन लोगों का कहना है कि जो बस से लेके जा रहे हैं अपने समर्थक को या जो ट्रेन से जा रहे हैं ये लोग दिल्ली पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा आशंका है। उत्तर प्रदेश में ये नेशनल परमिट है, पॉल्यूशन रोड टैक्स है और 55 सीट का बस में 55 ही है तो दिल्ली तक चला जाएगा, कोई रुकावट नहीं होगा। Detailed analysis, in-depth interviews and explainers. Follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.